मामी मामी एक बात बताओ। बोलो पन्नू। मामी आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? बेटी पन्नू मैं तो कभी भी स्कूल नहीं गई। मामी क्या कह रही हो, आप सच में कभी स्कूल नहीं गई? पन्नू मेरे टाइम में स्कूल बहुत दूर हुआ करता था और उस टाइम लड़कियों को पढ़ने के लिए घर वाले स्कूल भी नहीं भेजते थे। कहते थे कि लड़कियों को पढ़ लिख कर कौन सी नौकरी करनी है। आपकी मम्मी ने भी आपको स्कूल भेजने की कभी कोशिश नहीं की क्या? मम्मी तो कहती थी कि घर का काम सीख लो, शादी के बाद यही काम आएगा। हे भगवान, अगर मैं भी नहीं पढ़ूंगी तो मेरी भी शादी हो जाएगी। पन्नू इतना बोलते ही कमरे में भाग कर जाती है और स्कूल बैग लेकर आती है और खाट पर बैठकर पढ़ाई करने लगती है। अरे पन्नू क्या हुआ? मामी मुझे शादी नहीं करनी, इसलिए अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पन्नू की ये बात सुन मालती जोर जोर से हंसती है। ये हुई ना बात। मालती खाट से उठती है और गाय के पास चली जाती है। आज कितनी गर्मी है, तभी तो गौ माता चिल्ला रही है। मैं ऐसा करती हूँ, गौ माता को नहला देती हूँ, ये अच्छा रहेगा। मालती गौ माता को खोलकर कुएं के पास ले जाती है। पन्नू पन्नू इधर आओ बेटी। क्या हुआ मामी? पन्नू तुम कमरे में से साबुन ले आओ, मैं गौ माता को नहलाने जा रही हूँ, आज काफी गर्मी है। मैं भी गौ माता को नहलाऊंगी। पन्नू भागकर कमरे में चली जाती है और साबुन लेकर मामी के पास चली जाती है। पन्नू तुम गौ माता के पैर पर साबुन लगाओ, मैं तब तक कुएं से पानी निकालती हूँ। पन्नू गौ माता के पैर पर साबुन लगाने लग जाती है और मालती कुएं से पानी निकाल रही है। मालती बाल्टी में से पानी ले लेकर गौ माता के ऊपर गिरा देती है और साबुन लेकर गौ माता के माथे और पीठ पर लगाने लगती है। पन्नू गौ माता के चारों पैर में अच्छे से साबुन लगाओ, मैं गौ माता के पीठ और मुंह पर साबुन लगा रही हूँ। ठीक है मामी, आप चिंता मत करो। पन्नू साबुन लग गया हो तो किनारे हो जाओ, मैं कुएं से पानी निकाल कर गौ माता के ऊपर डालने जा रही हूँ। ठीक है मामी। इतना बोल मालती कुएं में से पानी निकालने लगती है। मालती ने कुएं में से पानी निकाल लिया है और गौ माता के ऊपर डालती है। पन्नू तुम जल्दी से गौ माता के पैर मलो। पन्नू पैर मलने लगती है। मालती एक बाल्टी और कुएं से पानी निकाल गौ माता के ऊपर डालती है। पन्नू इधर आओ और सामने से देखो, गौ माता कितनी सुंदर लग रही है। पन्नू सामने आती है और कहती है, मामी सच में गौ माता बहुत सुंदर लग रही है। चलो अब गौ माता को लेकर चलते हैं। मालती गौ माता को लाकर आंगन के बाहर बांध देती है। मामी रुको, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ पन्नू? पन्नू इतना बोलकर कमरे में चली जाती है और हाथ में कंघी, तेल, बिंदी, लिपस्टिक और एक कपड़ा लेकर आती है। मामी ये लो, आज गौ माता को सजा दो। अरे पन्नू गौ माता को ये सब नहीं लगाती। मामी आप लगाओ, आज मैं चाहती हूँ कि गौ माता एकदम दुल्हन बन जाए। अच्छा मेरी प्यारी पन्नू, जैसा कहती हो वैसा कर देती हूँ। मामी पहले आप गौ माता को कंघी करो। मालती गौ माता को कंघी करने लगती है। कंघी के बाद गौ माता और सुंदर लगने लगी। मामी अब आप गौ माता को पिंडी लगाओ। मालती गौ माता के माथे पर पिंडी लगाती है। मामी गौ माता कितनी सुंदर लग रही है, अब लिपस्टिक लगा दो इन्हें। मालती गौ माता को लिपस्टिक लगाने लगती है। मामी अब गौ माता सच में दुल्हन बन गई है। मामी ये जो मैंने आपको कपड़ा दिया है ना, कपड़ा आप गौ माता के पीठ पर रख दो। मालती गौ माता के पीठ पर कपड़ा रख देती है। मामी आप रुको, मैं अभी आई। पन्नू कमरे में चली जाती है और एक माला लेकर आ जाती है। मामी ये वाली माला गौ माता को पहना दो। मालती गौ माता को माला पहना देती है।
ये लड़की आज मुझे पागल कर देगी, पता नहीं क्या क्या करने को बोल रही है। गौ माता बहुत सुंदर लग रही है ना मामी? हाँ पन्नो। तभी रूपा हरी घास लेकर आती है और गाय के पास रख देती है। अरे आज तो गौ माता एकदम दुल्हन लग रही है, गौ माता को किसने सजाया पन्नो? गौ माता को सजाने का आइडिया मेरा था, लेकिन गौ माता को सजाया मामी ने है। अब से मैं रोज गौ माता को ऐसे ही सजाया करूंगी। सही कह रही हो रूपा, गौ माता बहुत सुंदर लग रही हैं। अब सब लोग आंगन की तरफ चलो और गौ माता को चारा खाने दो। फिर सब लोग आंगन की तरफ आ जाते हैं। मम्मी आज खाने में क्या बनाऊं? जो तुम्हारा मन हो बनाओ। मैं सोच रही हूँ आज सब्जी चावल बना दूँ। ठीक है बना दो। मुझे सब्जी चावल खूब पसंद है। रूपा रसोई में खाना बनाने चली जाती है, तभी रिंकी आ जाती है। पन्नो तुम्हें पता है आज गांव के मंदिर में भंडारा होने वाला है, मैं वही जा रही हूँ, तुम चलोगी तो चलो। रिंकी बेटा भंडारा आज नहीं कल है। लेकिन मम्मी ने तो मुझे कहा आज है भंडारा। अरे वो तो तुम्हारे मम्मी पापा को बाजार जाना था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा ताकि तुम यहाँ पन्नो के पास आ जाओ और वो लोग बाजार जा सके, नहीं तो तुम भी बाजार जाने के लिए जिद करती। मालती की ये बात सुन पन्नो जोर जोर से हंसती है। रिंकी चलो भंडारा खाने। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।